अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर कैसर अज़ीज़ है, कंसल्टेंट फिजिशियन, और इस वक्त मैं कोरोना के पेशेंट्स की मैनेजमेंट के लिए रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट में काम कर रहा हूँ। इस वीडियो बनाने का मकसद यह है कि बाहर जो लोगों को एक एंग्जाइटी है कि कोरोना के पेशेंट्स की कंडीशन कैसी होती है और उनकी मैनेजमेंट कैसे हो रही होती है, तो उनके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि पेशेंट्स की जो कोरोना के कन्फर्म केसेज हैं जो यहाँ पर हम रखते हैं, उनकी तबीयत कैसी है और जिस फैसिलिटी में है वो किस किस्म की है। ये हमारा एंट्री गेट है। इसके बाहर जो लोग हैं वो हमारी तरह इस गेट में नहीं है, जिस गेट में मैं हूँ। यहाँ से जब हम एंटर होते हैं तो इस गेट के साथ जो आपने अभी पिक्चर में देखी है आते हैं, और उसके बाद ये हमारा वो वाला एरिया है जहाँ पे कन्फर्म केसेस कोरोना के जिनमें प्रूव हो चुका होता है कि कोरोना कन्फर्म है उसमें है। ये कॉरिडोर है, ये हमारा फर्स्ट रूम है जिसमें हैं पेशेंट्स के, अगर ज़रूरत पड़े तो हम उनका अल्ट्रासाउंड करते हैं। इसके सामने एक्सरे रूम है जहाँ पे पेशेंट्स की पोर्टेबल मशीन है जिसमें उनका चेस्ट एक्सरे हो रहा है। ये कॉरिडोर है, हमारे साथ चार्ज नर्स जो आज नाइट ड्यूटी पर हैं। ये पेशेंट रूम है, और ये हमारे साजिद पेशेंट हैं जो अभी आए हैं, दूसरे पेशेंट सो रहे हैं और ये पेशेंट अभी मोबाइल पर बिजी हैं। डॉक्टर वर्दा जो इस वक्त WMO डॉक्टर ऑन कॉल हैं, और ये हमारा हैंडसेट है वॉकी टॉकी जिसके साथ हम बाहर लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ये नाइट की चार्ज नर्स हैं, ये नर्सेस का रूम है, और अब हम दूसरे पोर्शन में आ रहे हैं जहाँ पे हमारे बाकी पेशेंट्स हैं। उसामा यहाँ पे एडमिट है कोरोना के साथ, हमसे इनसे 2 मिनट बात करेंगे। उसामा कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। हां, कैसी तबीयत है? सर आई एम प्रीटी गुड, आई एम फेल वेल एनफ। अच्छा, लोग बहुत डरे हुए, लोग कहते हैं कि कोरोना हो जाए तो उसके बाद मतलब पता नहीं क्या होता है पेशेंट को। सर मैं आपके सामने, आज मेरा 5वां दिन है, इट्स बीन माय 5th डे एंड आई एम गुड एनफ, आई एम हेल्दी। मैं सारा दिन बाय वॉक करते रहता हूँ, फोन यूज करता हूँ, नमाज वगैरह। यहाँ पे जो बाकी पेशेंट्स हैं वो बहुत बीमार हैं या उनकी तबीयत आपको ठीक ही लगी है? नहीं, अल्लाह का शुक्र काफी ठीक है, और ये पर्सनल इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। पेशेंट रफीउल्लाह सो रहे हैं, और पेशेंट खालिद ये हमारे साथ हैं, इनको हमने ऑक्सीजन पर रखा हुआ, और जान मोहम्मद बाबा जी। इसी ब्लॉक के साथ हमारा ICU रूम है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे वेंटिलेटर्स हैं इस वक्त, यहाँ पे तो हमारे सारे पेशेंट, कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं है जिसको वेंटिलेटर की ज़रूरत हो। तो ये हमारा ICU है जिसमें आपको वेंटिलेटर्स मॉनिटर्स नज़र आ रहे हैं, और हमारे साथ कुछ पेशेंट यहाँ पर और कुछ पेशेंट इस रूम में। ये दूसरा आउटर डोर है, और ये जो सामने एक नज़र आ रहा है ये हमारा एग्जिट गेट है जहाँ पे हम जब अपनी नाइट शिफ्ट पूरी होने के बाद या जो भी शिफ्ट होती है उसके बाद हम यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया।